प्रेम लक्षणा रस रूपा भक्ति की प्राप्ति यदि कोई जीव करना चाहता है तो उसे श्री यमुना जी का आश्रय लेना चाहिए। यमुना जी प्रत्यक्ष प्रेम देती है, गंगा जी ज्ञान देती हैं, स्वरूप का बोध कराती हैं गंगा जी, प्रभु में प्रेम देती हैं यमुना जी, और शरीर संसार से वैराग्य देती हैं नर्मदा जी। नर्मदा जी वैराग्य देती है, निष्काम भाव से नर्मदा की परिक्रमा करे, नर्मदा जी का सेवन करे, उसका भोगों से शरीर संसार से वैराग्य होगा। पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी कहते थे कि पहले तो वैराग्य हो, तो इसके लिए बोले पहले नर्मदा जी का आश्रय लेना चाहिए साधक को। कहते मैंने अनुभव करके जो देखा है, और फिर इसके बाद गंगा जी का आश्रय, फिर गंगा जी नर्मदा जी से आवे तो गंगा जी के तट पर भजन करे, गंगा जी के किनारे रहे, गंगा जी का ही जल पिए। और बोले फिर गंगा जी का करने के बाद अंतिम में कहते प्रेम सबसे ऊपर है, उसका उसकी प्राप्ति के लिए ब्रज में आकर श्री यमुना जी का आश्रय लेना चाहिए। कहते मैंने अनुभव किया है नर्मदा वैराग्य प्रदात्री हैं, गंगा ज्ञान प्रदात्री हैं, और यमुना जी भक्ति प्रदात्री हैं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।